मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेशों के बाद अब तमाम सरकारी अफसर गांव-गांव जाकर लोगों की परेशानियों को सुनकर उनकी समस्याओं का हल करने में जुटे हुए हैं। इसी के तहत नारसन ब्लॉक के गांव ठितकी में सरकार के नुमाइंदे जीओ हरिद्वार प्रमोद चंद पांडे ने पहुंचकर लोगों की जन समस्याओं की जानकारी ली। इस बीच अन्य विभागों के कुछ अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। वहीं हरिद्वार डीओ प्रमोद चंद पांडे ने कुछ लोगों की समस्याओं को जिला अधिकारी तक पहुंचाने का काम किया तो कुछ को मौके पर ही हल किया। वहीं ग्राम प्रधान कुलदीप सालार का कहना है कि कुछ दिन पहले भी हमारे गाँव में जिला अधिकारी ने खुद आकर लोगों की समस्या सुनी थी पर और उन्होंने आश्वासन दिया कि अतिक्रमण हुए तालाब को मुक्त कराया जाएगा पर अब तक उस पर किसी भी अधिकारी ने संज्ञान नहीं लिया। पिछले महीने की 23 तारीख को हमारे यहाँ सरकार आपके द्वार कार्यक्रम लगा था, उसमें डीएम साहब खुद मौजूद रहे थे। हमने डीएम साहब को अवगत कराया था, मौखिक भी और लिखित में भी दिया था कि हमारे गांव के बीच में एक तालाब हुआ करता था जो आज चकबंदी अभिलेख में मौजूद नहीं है। लोगों के द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है, तालाब बिल्कुल खत्म कर दिया है और गांव में पानी की निकासी नहीं है। हमारी डीएम साहब से फिर से यही रिक्वेस्ट है कि वो जितना बचा हुआ है कम से कम उतना तो खुद जाए ताकि पानी की निकासी हो जाए। तो उस समस्या का हमारा अभी तक समाधान नहीं हुआ है और बाकी गांव में ये अतिक्रमण है, किसी ने रास्ते में कुड़ी डाल रखी है, किसी ने रास्ते में वाहन खड़े कर रखे हैं। मेन समस्या तो ये है, आपने उन्होंने 25 तारीख का टाइम दे रखा है कल, अब कल देखते हैं प्रशासन की टीम आती है या नहीं, नहीं तो हम फिर से डीएम साहब के पास जाएंगे। अंतर्गत यहाँ जनता दरबार लग रहा है, प्रधान जी हमारे साथ में जनता की शिकायतें सुनी जा रही है और 28 तारीख को पहले भी यहाँ डीएम साहब का जनता दरबार हुआ है। ये सरकार की इच्छा है कि सरकार के हर अधिकारी जनता के पास पहुँचे और वहाँ उनकी समस्याएं सुने, उनका निस्तारण वहीं करें और उनकी जो समस्या निस्तारण नहीं हो पा रही वहाँ पर उनको लेकर जिला स्तर पर विभिन्न विभागों को भेजें, उसी क्रम में हमें आ जाए। डीएम साहब के द्वारा नहीं, अधिकांश अधिकारी यहाँ पहुँचे हुए हैं, जो संबंधित विभाग के अधिकारी यहाँ पहुँचे हुए हैं। कुछ अधिकारी हैं जो नहीं आए हुए, उनकी उपस्थिति जिलाधिकारी महोदय को भेजी जाती है, कौन कौन यहाँ उपस्थित रहे हैं। अन्य कार्यक्रमों में भी आदमी रहता है, यहाँ अधिकांश अधिकारी आए हुए हैं, ऐसा नहीं पहुँचे हुए। 10-15 समस्याएं यहाँ पर आई है, जो मूल समस्या है वो जिलाधिकारी महोदय को भी संबोधित की गई थी। मूल समस्या जो यहाँ की है तालाब की समस्या है, उसको उन्होंने दोबारा उठाया, उसको हम जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित करेंगे। और छोटी समस्या है जैसे किसी का जन्म प्रमाण पत्र है, मृत्यु प्रमाण पत्र है, उसके संबंध में कुछ तकनीकी खामियां आई हैं, कुछ दरबार में बताई गई हैं, उसको हम संबंधित विभाग को स्थानांतरित कर देंगे। इस प्रकार से उसका निस्तारण किया जाए। चुनाव में बेसिकली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बहुत ही विस्तृत गाइडलाइंस है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। जैसे कि 2 दिन पहले जब नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था हमारे SST पॉइंट्स रेज हो गए, फिर इसमें हमें लगभग आज तक CAPF जो सेंट्रल आर्म फोर्स है उनकी भी हमें उपलब्धता कराई गई है और जल्द ही आपको उनके द्वारा फ्लैग मार्च और मार्चेस दिखेंगे। जो व्यवस्था इस कार्यक्रम स्थल पर बेसिकली जो हमारे मेन स्ट्रांग रूम और काउंटिंग सेंटर पर रहेगी वो एज पर गाइडलाइंस 3 लेयर्ड सुरक्षा रहेगी। और ये चूंकि बुद्रा बैंक में जो पिछले 10 या 15 साल में भी हमने कुछ आंकड़ों का आकलन किया तो कोई भी अप्रिय घटना होना प्रकाश में नहीं है, मुझे पूरा भरोसा है कि इस चुनाव की बहुत पीसफुल और शांतिप्रिय तरीके से बाहर से कितनी अंतर्गत यहाँ जनता दरबार लग रहा है, प्रधान जी हमारे साथ में जनता की शिकायतें सुनी जा रही है और 28 तारीख को पहले भी यहाँ डीएम साहब का जनता दरबार हुआ है। ये सरकार की इच्छा है कि सरकार के हर अधिकारी जनता के पास पहुँचे और वहाँ उनकी समस्याएं सुने, उनका निस्तारण वहीं करें और उनकी जो समस्या निस्तारण नहीं हो पा रही वहाँ पर उनको लेकर जिला स्तर पर विभिन्न विभागों को भेजें, उसी क्रम में हमें आ जाए। डीएम साहब के द्वारा नहीं, अधिकांश अधिकारी यहाँ पहुँचे हुए हैं, जो संबंधित विभाग के अधिकारी यहाँ पहुँचे हुए हैं। कुछ अधिकारी हैं जो नहीं आए हुए, उनकी उपस्थिति जिलाधिकारी महोदय को भेजी जाती है, कौन कौन यहाँ उपस्थित रहे हैं। अन्य कार्यक्रमों में भी आदमी रहता है, यहाँ अधिकांश अधिकारी आए हुए, ऐसा नहीं पहुँचे हुए। 10-15 समस्याएं यहाँ पर आई हैं, जो मूल समस्या है वो जिलाधिकारी महोदय को भी संबोधित की गई थी। मूल समस्या जो यहाँ की है तालाब की समस्या है, उसको उन्होंने दोबारा उठाया, उसको हम जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित करेंगे। और छोटी समस्या है जैसे किसी का जन्म प्रमाण पत्र है, मृत्यु प्रमाण पत्र है, उसके संबंध में कुछ तकनीकी खामियां आई हैं, कुछ दरबार में बताई गई हैं, उसको हम संबंधित विभाग को स्थानांतरित कर देंगे। इस प्रकार से उसका निस्तारण किया जाए।